उत्तराखंड देहरादून में भाजपा की मीडिया वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, तो वहीं उस वर्कशॉप में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी शामिल हुए। बीजेपी की एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला देहरादून में शुरू हो गई है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने किया। इस मीडिया कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिलों की मीडिया टीम व विभिन्न मोर्चों की मीडिया टीम के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इस मीडिया कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का मार्गदर्शन भी प्रदेश मीडिया टीम को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इसका उद्देश्य है कि सरकार की बात आम जनता तक पहुंचे। दरअसल 2022 के मद्देनजर बीजेपी अपनी मीडिया टीम को और धार देने पर जुटी हुई है, ताकि सरकार का पूरा पक्ष बहुत ही बेहतर तरीके से जनता के बीच में रखा जाए। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से और प्रदेश के विभिन्न कोनों कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे। और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी को, सभी के बीच में आके हमने भी शुभकामनाएं दी हैं कि वो और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। 2022 का जो लक्ष्य हमने रखा है कि बार 60 पार का, उसमें एक महत्वपूर्ण हमारा मीडिया विभाग है और मीडिया विभाग लगातार बहुत ही ताकत के साथ यहाँ पर लगा हुआ है राज्य में। आज वर्कशॉप होने के बाद, चूँकि इसमें पूरे प्रदेश के, हमारे जिलों तक के मीडिया के प्रभारी आए हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व उन सबको यहाँ प्रशिक्षण देगा और उसके बाद जो मीडिया विभाग का काम है और धारदार तरीके से आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आपको भी इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि और अच्छी प्रकार से वो आपको सारा ब्रीफ करने में सफल होगा। तो आज के बाद आप देखेंगे एक नए लुक में हमारा मीडिया विभाग नजर आएगा। देखिए, आजकल के जो चुनाव हैं उसमें निश्चित तौर पर जो मीडिया की भूमिका है वह महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उस भूमिका में प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा निपुण हो, उस भूमिका में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार हो, और चुनाव में जितने भी तरीके के कामकाज होते हैं, चाहे जनसभाएं होनी है, चाहे मैन टू मैन मार्किंग होनी है, उन सब की तैयारी होती है। उसी प्रकार से मीडिया की तैयारी के लिए आज हम सब लोग बैठने वाले हैं, आज दिन भर चर्चा करने वाले हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लोगों के पास और महत्वपूर्ण तरीके से जाए, उसकी तैयारी पर दिन भर चर्चा करने वाले हैं।